Have you ever looked in the mirror and not seeing yourself? Okay. Don't have any problems. Anyways. Hor kya? Das bhasha da mixture karne mallu. Tamil, Telugu, Kannada. Canada, Punjabi, Haryanvi, Rajasthan. I guess that's how they recognize me. Cool girl, bla bla. पति की इज्जत पे आ जाती है. Guys, आपको इज्जत करनी है करें, नहीं करनी है ना करें. Canada बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. They'll drive me crazy. You want dosa? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सुबह हो चुकी है एंड हम हमारा ब्रेकफास्ट करके आए हैं एंड गाड़ी की वेट कर रहे हैं जाने के लिए. आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेरी नाइस. सो हमारे बालकनी से व्यू कुछ इस तरह का है. वेरी नाइस क्लीन ग्रीन. पानी की आवाज़ बहुत अच्छी है. इसमें स्पाइसेस कैसा है, आयुर्वेदा मेडिसिन कैसा है, किस में काम आएगा, थोड़ा सा जानकारी बताएगा. ओके, दिस इज आवर स्पाइसेस और आयुर्वेदा मेडिसिनल प्लांटेशन. आई कैन शो यू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस प्लांट और आयुर्वेदा मेडिसिन. ओके, माय नेम इज मरिया. मरिया, नाइस. दिस इज नटमेग प्लांट. डू यू हैड अबाउट नटमेग? यस यस. नटमेग एंड नटमेग सर टुगेदर इन वन फ्रूट इनसाइड. दिस वन कम्स इन लिटिल बिग साइज सर. द नेचुरल ओपन द प्लांट. या यू कैन सी पुट इन बिरयानी, गरम मसाला. Food item. Dry. Kitty cat. Daddy kitty cat. चला तू ही करना. बाहु ने जाना है यार. ऊँचा सौंदर्य कारी.
कुछ ऐसा है ना, कोई भी ऐसा प्यार करे तो वो लाडली बनेगा। हम भी ऐसे हैं, हमें कोई प्यार करे हम ह्यूमन भी ऐसे करता है। ओके कई नॉर्मल सनलाइट गेट ब्लैक पेपर द रेड कवर इज रिमूव इन मशीन प्रोसेसिंग आफ्टर गेट टू व्हाइट पेपर लाइक दिस थ्री वैरायटी अवेलेबल इन मणिपुर एंड लाइक पीपल हियर ग्रो दिस काइंड ऑफ स्पाइसेस वेयर वेयर इन द होम्स नो दिस क्लाइमेट इज डिफरेंट दिस सैंड इज डिफरेंट इन केरला दैट्स व्हाई ग्रो इन हियर not in your country no like in, they do the farming here yeah all people? farming okay. farming this one see show your hand eat one cardamom taste it also taste it can we eat try and get good smell can we eat yeah when it's yeah, dry no. it's more no problem you try this one here it is export in another country ये वाला में एक गजरादि ऑयल नाम करके एक ऑयल बनाता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन फॉर द ग्रीन डाउन टू अप मसाज फ्लोटिंग इज रिमूव ओके रोजमेरी इज ए वेरी कॉस्टली फ्लावर रोजमेरी मेकिंग हेयर ऑयल अंडरस्टैंड ना इन आवर दिस एरिया मेकिंग टू काइंड ऑफ हेयर ऑयल वन हेयर मैंने कितने लोगों को ये खाते हुए देखा और मैं खाना चाहती थी कच्चा आम है और उस पर मसाला डाला है तो ये ट्राई करेंगे हम तो यहाँ पे ना ये लेडी बहुत ही अच्छा क्यूकम्बर पाइनएप्पल एंड कच्चे का किसी भी गर्ल का ना ये ड्रीम कम ट्रू है कच्चा अम्ब एंड बहुत ही मज़ेदार मसाला है स्पाइसी है खट्टा चटपटा बहुत मज़ेदार तो हस्बैंड ने खीरा लिया है पाइनएप्पल एंड ये पाइनएप्पल बहुत ही ज़्यादा मीठा सो इनका ना खूब सारी सेल हो रही है क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें बेच रही हैं ये तो मैं खा रहा आइसक्रीम उसके बाद हम ये फ्लावर गार्डन के अंदर जाने वाले हैं ये छोटी सी सड़क है एंड यहाँ पे छोटे छोटे ये वेंडर्स हैं जो कि आइसक्रीम कोकोनट छलियाँ एंड थोड़ा सा सामान भी है टूरिस्ट लोगों के लिए वो लोकल लोगों का विलेज है मल्ला है सो खूब सारे घर हैं वहाँ पे और अब हम इसके अंदर जाएंगे केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओके सो ये है फ्लावर गार्डन जहाँ पर आपको बहुत मज़ेदार फूल बूटे पौधे सब कुछ मिल जाएगा और सारे इतने हैप्पीली बदे फुल्ले हुए हैं ना दोस्तों बहुत खुश दिस इज हस्बैंड एंड हिम्मत हमने ना तीन चार पैकेट ओला आ मैंने लगा बिन You were my very first soulmate, the healer of my heartbreaks, the keeper of my good days, the one who chased my nightmares away. You were my very first soulmate, the fixer of my mistakes. Comfort on my bad days.
ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आने के लिए 50 रुपीज़ की फीस है, बच्चों के लिए 25 है, एंड बहुत ही मज़ेदार है, जिनको प्लांट्स अच्छे लगते हैं, फ्लावर्स अच्छे लगते हैं। एंड मेरे पति को इतना मज़ा नहीं आ रहा, वो सोच रहे कि दो कड़ी लाम कर लूँ, हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है, मुझे और हिम्मत को। तो यार ये ना ऐसे सीढ़ियाँ इस किस्म से बनाई हैं कि सारा आस्ते पास से आप देख सकते हैं, इधर इधर यहाँ पे रोज़ गार्डन है, देखिए मेरे पीछे खूबसूरत रोज़ है मेरे। एनीवेज हस्बैंड को इग्नोर करके जो दुनिया में सुकून मिलता है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं है। ओके यार सामने टी गार्डन है, बहुत ओके। सो ये बहुत ही प्यारी सी वाइन है जिसमें बहुत प्यारे फ्लावर लटक रहे हैं लाल रंग के। हम यहाँ पे पिक्चर खिंचाना चाहेंगे पर हमसे पहले कोई और यहाँ पे पिक्चर खिंचाने के लिए खड़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल पिक्चर्स खींच रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे क्लिक करने की। फोटोग्राफर He wants you to pet her. Pet her. No, she's friendly. Oh, I feel her head. Aww. She likes you, Mama. Pet her. Don't worry. She's nice. Don't be over smart, guys. Pet her. You were my very first soulmate. The healer. Look at these gloves, see? Look at these coming for you! Okay. Ayo, Swami. ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਵੇਟ ਕਰ, ਵੇਟ ਵੇਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉ ਮਲਾਈ ਸਵਾਦ, ਤੂੰ ਇਧਰ ਨਾ ਕੋਕੋਨਟ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਚੱਕੀ ਹੰਨੇ ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੋਰ ਕਿਆ, 10 ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਲੂ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ। सो मैंने लिए है मेरे लिए ये उबली हुई छलनी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस पर ये मिर्च, नींबू एंड सॉल्ट का मिक्सचर लगाया है, जो मुझे लग रहा है हमने अचार में खाया, अचार पिकल, वो मैंगी अंबी
जो कच्ची अम्बी खाती ना वैसा है। गाय केरला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना भाई। लुक एट दिस, आओ चा पी लो। गेट दे बाहर मैं भी जाना। ਬਹੁ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਚਾਹ? ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੋਰਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਇਮੇਜਿਨ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਝੋਕਿਆ ਲੱਗਦਾ। आने के बाद ये फार्म वाला एरिया है जहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। हमने थोड़ी पिक्चर्स क्लिक की हैं एंड ये जो पत्ती के खेत हैं वो दूर ऊपर तक जाते हैं जहाँ से लोग पत्तियाँ उतारते हैं। देखने के लिए मज़ेदार लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार काम है, पर बहुत मुश्किल है क्योंकि इतनी चढ़ाई पर हम अपनी आँखों से देख सकते हैं वहाँ पर कुछ औरतें पत्तियाँ उतार रही हैं। बहुत मेहनत का काम है। जो पति है अपनी पत्नियों को बिस्तर में ये पत्तियों की बनी चाय देती है, वो इतने आसान से नहीं आती। पत्नियों को चाहिए कि पतियों की इज्जत करें। कोई गल मिला मिला के पति की इज्जत पे आ जाती है। गाइस आपको इज्जत करनी है करें, नहीं करनी है ना करें। पति पति से पति अपनी इज्जत में पता नहीं कैसे पहुंच। हेलो दोस्तों, सो वी आर बैक विद द अपडेट। हस्बैंड चले गए नए पॉइंट पिक्चर्स खिंचाने के लिए। वो बोल के गए हैं कि पत्तियों की इज्जत करनी चाहिए। चिंता नहीं करें गाइस, जैसे आपको करना है वैसे करें। इसके बाद ना दो डिफरेंट और स्पॉट है जिसपे हमें जाना है, पर हम माइनस करके एक ही जगह जाने वाले हैं क्योंकि हमें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद कुछ पेट पूजा करेंगे एंड देखते हैं कि क्या खाते हैं। Just need some help getting back, but that's not something they tell you these days. I never wanted to be that girl, but I'm stuck on this girl street and my smile won't come up my head. So maine mere liye kuch jhumkiyan li hain, shayad main kuch aur bhi lungi kyunki mujhe pyari lagi hai. चटनी स्पाइसी है। ओके सो दिस अम्मा सेलिंग चिल्ली पकौड़ा एंड पति को अट्रैक्ट कर लिया उन्होंने। चाय 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 ऑयल विच ऑयल सनफ्लावर कोकोनट ऑयल बेटर वी लाइक कोकोनट कोकोनट एंड सनफ्लावर हाय यू गाइस हैव योर कॉलेज ट्रिप मंडे ऑफ एक्सीलेंस ओह कर्नाटका ओह हाउ फार हाउ फार 400 kilometers? Yeah. So how many days you came here for? 4 days. One night. You having fun? Yes. In which class you study in? Second year. Graduate? 12th. Oh, nice. Upon Hindi aata hai? Hindi. You understand Hindi? No. No. We gonna upload your video on YouTube. We have a YouTube channel. Okay. Don't have any problem. You can watch.
I use mask, right? They're smart, you guys are. Lemongrass sandal, jasmine. It's the sky again. No, thank you. Twig. Okay, so I'm a दूसरी बार कर रहा और खुशकिस्मती से उसका हर एक निशाना भी लग रहा है. उन्हें चार बार ओ मतलब गन्ना जो इधर फायदा होने दिया जेडी निशाने मार देना की रख रख के यार लास्ट ट्रायल. ओके सो यहाँ पे ये है टी फैक्ट्री विजिट. यहाँ पे आप ना देख सकते हैं कि आजकल चाय कैसे बनाते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे उसे यूज़ के लिए तैयार करते हैं. इसका नाम है मधुपति फैक्ट्री रिपल टी. पहाड़ी रास्ते पे गाड़ी में घूमना आसान काम नहीं है. लाइक इतना घूम दिया और काफ़ी बार आप बाल बचते हैं उल्टी करने से. बट फॉर्चुनेटली जो हमारी गाड़ी चला रहे हैं वो अच्छा ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जिसमें हम आए थे उन्होंने घूमण घुमेरियाँ पा दिया दोस्तों. अट्टे बुरे हाल हो गए ना. व्हाट द डेंजर ड्राइवर है वो. क्रिटिकल ड्राइविंग. हाँ सर, इट्स अ क्रिटिकल ड्राइविंग. वेरी क्रिटिकल ड्राइविंग. ओके गाइस हम पहुंच गए हैं लेक पे, गवर्नमेंट ऑफ केरला. बाकी नाम है लेक दा कुंडला लेक. इट्स अ सुमित्रा लेक. Excuse me, sir. Let's go. Toilet paper. Alle pa. Alle pa. Swami. Mummy. सो इस लेक एरिया में आज बहुत सारे विद्यार्थी आए हैं और विद्यार्थी बहुत रोला पा रहे हैं. सारा विद्यार्थियों का टोला है और कुछ शरारती लड़के शोर मचा रहे हैं पोपू बजा बजा के. ओके सो अब हम लेक से थोड़ा सा विज़िट करने के बाद ये प्यारे से एक टी प्लेस पे आए हैं. मैं और हस्बैंड टी पिएंगे एंड ये मैगी भी बना के देते हैं. हेमंत मैगी खाएगा एंड मैगी का ऐसे है कि अब आपको हर जगह मिल जाती है एंड इसको अच्छी लगती है या इसका अच्छा स्नैक हो जाएगा. सो वी गोना मेक अ गुड नाइस मैगी फॉर हिम. इफ आई एम नॉट हंग्री आई स्टिल ईट मैगी. यस ही इज क्रेजी. सो चाय मिल गई है. मुझे लग रहा है कि चाय में ना ये चीनी बादर मिक्स करते हैं, तो अगर आप बोलो कि कम चीनी चाहिए तो आराम से मिल जाती है. मैंने ना देखा है कि नॉर्थ इंडिया में जब आप चाय ऑर्डर करते हैं ना, तो अगर आप बोले कि कम चीनी चाहिए और कम तुम नहीं देखते वो दे ही देते हैं नॉर्थ, पर ये एक्चुअली कम को कम ही बनाते हैं, हाफ कर देते हैं, तो अच्छा हो जाता है हम लोगों के लिए. आज ना हम वैसे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट लोगों की जैसे कर रहे हैं कि सारे जो भी मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं सभी को विज़िट कर रहे हैं, पर हमें ये चीज़ें बहुत करना पसंद है. हम छुट्टियों को बहुत ही रिलैक्स एंड काम मोड में लेते हैं, पर आज भी हमने अपने ड्राइवर को बहुत सारी चीज़ों को माइनस कर दिया कि हमें नहीं करना है, लाइक सफारी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ है नहीं. वो ऐसे ही ऑफ द रोड जीप में आपको 3 घंटे घुमाते रहते हैं. इधर लगो उनकी उल्टियाँ आ जाएंगी. अनलेस आपको कुछ देखने के लिए मिले, लाइक टाइगर मिले, कोई हाथी मिले, कुछ अच्छा लगे ना, हिरन मिल जाए, अदरवाइज ऐसे घूमने का वैसे फालतू में घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है.
वो नहीं हमने किया. ये यहाँ पे बच्चे आए हैं ना पिकनिक मनाने के लिए कॉलेजेस के एंड स्कूल के, तो बहुत क्राउड है. वैसे बोटिंग आप कर सकते हैं, पर टांगों में इतना दर्द है कि पैडल नहीं बार बार मार पाएंगे. सो मैं बोटिंग कैंसिल करी, पर हमने वो सारा लेकर व्यू ले लिया. बहुत अच्छी है लेक ना ये. और कितने कहीं ओ प्लांट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, वो हमने पूरा अंदर से घूम लिया. एंड देन वी हैड सम डिलीशियस थिंग ओवर देयर, द पाइनएप्पल विद सम क्यूकंबर. पाइनएप्पल खाया हमने, कच्चा आम खाया, कॉर्न खाए, एंड ऑल्सो हमने खाया क्यूकंबर. बहुत मज़ेदार था. और ये इनका जो मसाला है ना, बहुत ही मज़ा आया. कोकोनट, कोकोनट मिल्क. और अब मुझे लग रहा है कि हम trying to find some peace of mind tonight. I feel so low again, alone again. To me you are the brightest star in the sky. Oh, why do you cry? Why do you cry? ये तो डिनर करने के लिए आए हैं हम. ये रेस्टोरेंट का नाम है अली बाबा, एंड अली बाबा चाली चोर तो आपने सुना ही होगा. सो इसका नाम है अली बाबा कतालू डिशेस. खाना खाने के लिए हम आए हैं इस रेस्टोरेंट में. इसका नाम है अली बाबा 41 डिशेस, एंड इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं. आई थिंक 6000 प्लस रिव्यूज़ हैं, एंड आई थिंक अराउंड 4 स्टार हैं. तो हमने यहाँ पे खाना खाने का प्लान बनाया है. देखते हैं सारा दिन घूमने के बाद खूब सारी भूख लगी है, एंड फिश खाने के लिए एक्साइटेड है. मुझे फ्राइड फिश बहुत अच्छी लगती है. अब मुझे पता नहीं कि कौन से फ़िश खाया करती थी मैम. जब हम चाइनीज़ में मकान घूमते हैं तो वो फ्राई करके उसको सोया सॉस एंड लाल चिली के साथ देते, बहुत डिलीशियस. बट जो यहाँ फिश मिलती है उससे काफ़ी सिमिलर है, तो वो हम खाना चाहेंगे, एंड और देखते कुछ नया ट्राई करेंगे. आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे फ़ूड कैसा लगा. आप सो फार हम जो भी फूड खा रहे हैं, तमिलनाडु में खाया, जो भी जो केरला में खाया, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड बहुत फ्लेवरफुल है. फॉर्चुनेटली हम ऑलरेडी साउथ इंडियन के फैन हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम एवरी डे खा सकते हैं. पिछले 6 दिन से हम दो दो तीन तीन बार इडली डोसा वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं और बिल्कुल बोर नहीं हुए हैं. बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है मंचूरियन एंड राइस एंड पनीर करी. इन्होंने अड्डे बड्डे पनीर के पीस है, पर फ्लेवर बहुत ज़्यादा है. एंड हमने पराठा ऑर्डर किया है वीट का, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट.